सबसे पहले एक बोल में लेंगे हाफ कप बटर, 1/3 कप आइसिंग शुगर, आप नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं। इस सब को स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करेंगे और ब्लेंडर की हेल्प से इसको फ्लफी होने तक बीट करेंगे। फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे बटर का कलर येलो से वाइट हो जाना चाहिए। और अब ऐड करेंगे मैदा, इसको भी स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करेंगे पहले। अब इसको ब्लेंडर की हेल्प से टेक्सचर क्रम्बली होने तक मिक्स करेंगे। बॉल की वॉल्स को स्क्रैच करके एक बार फिर से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, मेक श्योर आप इसको नीड ना करें, इसको डो फॉर्म में नहीं लाना है। अब इसको ग्रीस करी हुई बेकिंग डिश में स्पैचुला की हेल्प से सेट करेंगे। इसकी थिन लेयर होनी चाहिए, आप अपनी फिंगर्स की हेल्प से भी कर सकते हैं और जैसे कि मैंने दिखाया है आपको, आप किसी बॉटल की हेल्प से भी इसको रोल कर सकते हैं। अब इसको अपने मनपसंद साइज के सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। फोक की हेल्प से होल्स क्रिएट करेंगे। फ्रेंड, सेंटर से थोड़ा सा पोर्शन रिमूव करेंगे जिससे बेक होने के बाद कुकीज को लिफ्ट करना इजी रहे। अब प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। फ्रेंड्स, यमी एंड वेरी डिलीशियस कुकीज रेडी हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। This is the yummiest cookies in the whole world.